जिंदगी की उलझने कभी नहीं सुलझेंगी, जितनी करोगे चिंता ये उतनी ही उलझेंगी। हर कदम पर मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना करना सीखो। जीवन है छोटा सा, इसे सुख से जीना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया स्वागत करती हूँ आपका प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें यूं ही मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक भी करें। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में खुश हैं और आपको किसी बात की चिंता नहीं है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता वास्तविकता में क्या है, आप इसके मतलब से अनजान हैं। हर उस लम्हे में जब आप अपने मन में विचलित हैं या आप किसी भी विषय पर सोच रहे हैं, आप चिंता ही कर रहे हैं। आपने सही सुना होगा कि चिंता चिता के समान होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चिंता एक नेगेटिव इमोशन है जो आपको अंदर से खोखला कर देती है। भले ही जीवन की दौड़ में हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ली हो या हमारा लाइफस्टाइल कितना ही आसान क्यों ना बन गया हो, इसने हमारा सुकून और शांति छीन लिया है। विचार कीजिए, अपने दिन का कितना समय आप अपने साथ गुजारते हैं। आप खुद हैरान होंगे कि शायद ही आप खुद के लिए वक्त निकाल पाते होंगे। हर वक्त किसी न किसी चिंता में ओझल आपका मन विचलित ही रहता है। दोस्तों, हम इस विषय पर चर्चा नहीं करते पर ये बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। इससे हमारा मानसिक तनाव बढ़ता है, स्वास्थ्य अस्वस्थ हो जाता है, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। जिस समय काम करना होता है उसमें भी आप चिंतन ही करते रह जाते हैं। इसे हम ओवरथिंकिंग भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, क्या चिंता करने से कोई काम सरल हुआ है? नहीं, बल्कि इससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो क्यों करना इतना विचार? जो होना है वो होकर रहेगा। आप बस अच्छे मन से मेहनत करें और पॉजिटिव सोचें। ये कहना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जीवन में इसे अपनाना। हमें लगता है कि हमें कोई चिंता नहीं है, मगर असल रूप में चिंता होती है। चिंता के मतलब को गहराई से समझने के लिए और कैसे इसे खुद से दूर रखें, इस विषय पर प्रभात प्रकाशन लाया है आपके लिए इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का हिंदी अनुवाद, चिंता छोड़ो सुख से जियो। इसके लेखक हैं बहुत लोकप्रिय डेल कार्नेगी। इस बुक में निजी अनुभवों को रीडर के साथ उन्होंने शेयर किया है, जहां वे खुद अपने जीवन की परिस्थितियों से परेशान थे, मगर समय के साथ उन्होंने अपना नजरिया बदला और खुद को पॉजिटिव बनाया। चिंता को कैसे जीता जाए, इस विषय पर उन्होंने सैकड़ों भाषण सुने। इससे ये पता चलता है कि ये पुस्तक किसी बंद कमरे की उपज नहीं है, ना ही किसी प्रकार का प्रवचन है, बल्कि कैसे अन्य लोगों ने चिंता पर जीत हासिल की, इसके अनुसार लिखी गई एक प्रैक्टिकल बुक है। इसमें आपको उन लोगों के नाम और पते भी दिए गए हैं जिनके अनुभवों को ध्यान में रख के ये बुक लिखी गई है, इसलिए ये बिल्कुल प्रमाणित विवरण है और यही इसकी खासियत है। जैसे साइंस सफल परिणामों का एक मिश्रण है, ठीक उसी प्रकार ये पुस्तक भी हमारे चिंता से भरे जीवन को कैसे फ्री करें, उस पर दी गई सक्सेसफुल टिप्स का कलेक्शन है। हम आपके लिए लाते हैं सभी बेस्ट सेलर्स ताकि आप इन्हें पढ़ें और अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकें। इसलिए इस बुक को भी जरूर पढ़िएगा और देखिएगा, आप बहुत कुछ ऐसा जानेंगे जिससे आप अब तक अनजान थे। चिंता पर जीत पाना आपको आसान लगने लगेगा और आप हर सिचुएशन में खुश रहना सीख सकेंगे। खुद पढ़े और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। ऐसी बुक्स आप उन्हें गिफ्ट भी कर सकती हैं। भला इससे बेहतर गिफ्ट और क्या हो सकता है? तो जल्द ही ऑर्डर करें ये बुक ऑनलाइन स्टोर्स जैसे Amazon या Flipkart पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके इसे आसानी से ऑर्डर कर सकती हैं। तो इसे समय निकालकर जरूर पढ़िएगा। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर भी करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई लोकप्रिय पुस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और यूं ही हमसे मिलते रहें। नमस्कार।